मिस कॉल मारिए और बीजेपी में आइए। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उससे सब कांग्रेसी कूद रहे हैं। पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी 24 में विराजमान होंगे। सीमावर्ती इलाका और इन सब इलाकों में विकास की गति तेज होगी। अपराध, आतंकवाद, अलगाववाद को करारा चोट पहुंचेगा। देश के गृह मंत्री जब कदम डालते हैं तो उस इलाके में तरक्की होती है, उस इलाके में अपराध और आतंकवाद की जड़ें हिल जाती हैं। और जब बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद वो उनका दौरा हो रहा है तो और सबल होगा कानून का राज। तो हम लोग ये उसकी तैयारी में लगे हैं। अभी यहाँ से हम और पटेल जी हमारे जिम्मे हैं, पटेल जी के साथ हम भी आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुले कंठ से उद्योग विभाग की प्रशंसा की थी। पानी में मछली है और नौ नौ कुटिया बखेरा हो रहा है। न प्रधानमंत्री के पद पर पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी 24 में विराजमान होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई इफ़ नहीं है, बट नहीं है, किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है वो सांसद विधायक जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है भारत जोड़ो अभियान चला रही है, क्या लगता है? भारत तो पहले से जुटा हुआ है, ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत जोड़ा। मैं कह दूं मैं नौगछिया भागलपुर जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा? मैं जुड़े हुए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं उनके सांसद और विधायक को जोड़ने का काम कर रही है भाजपा, तो हमारी तो जीत के आते हैं, उनके आते हैं क्या? कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उससे सब कांग्रेसी कूद रहे हैं तो हम क्या करें? उनसे ही कूद के कोई हम लोग ला रहे हैं? उनके पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके नेता आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी आप अपना घर संभालिए ना, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम लोग तो मिस कॉल मारिए और बीजेपी में आइए। तो हम लोग के यहाँ तो जो मिस कॉल भी मारता उसको भी लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। और सुशील मोदी जी की काम है, मेरा अनुरोध यही है कि मैं मंत्री से अगर हटाऊं तो भागलपुर से बैर नहीं होना चाहिए। शाहनवाज से बैर चल सकता है लेकिन भागलपुर से क्यों होगा?